नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। बिना नंबर प्लेट वाहनों के विरुद्ध भवानीमंडी थाना की कार्रवाई। पुलिस थाना भवानीमंडी बिना नंबर प्लेट के 27 वाहन किए जब्त। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक रिचर्ड उमर और चिरंजी लाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ के निरीक्षण प्रेम कुमार, आरपीएस वृत्ताधिकारी वृत्त भवानीमंडी के निकटतम सुपरविजन में रमेश चंद मीणा, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना भवानीमंडी के नेतृत्व में बिना नंबर प्लेट के वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए 27 वाहनों को जब्त किया गया। कपड़े की दुकान में कपड़ा चोरी करने वाले आरोपी नौकर लवेश गिरफ्तार। आरोपी लवेश को 5 घंटे में गिरफ्तार कर चुराया माल किया बरामद। जिस कपड़े की दुकान पर करता था काम उसी दुकान में दिया घटना को अंजाम। आपको बता दें कि दिनांक 30/5/2024 को प्राथी अदनान खान पुत्र समी उल्ला खान, जाति मुसलमान, उम्र 22 साल, निवासी दरगाह मोहल्ला भवानीमंडी, विनय थाने में उपस्थित होकर एक तकरीर रिपोर्ट पेश की थी कि मेरी एक कपड़े की दुकान है जहाँ पर अनेक प्रकार की वेराइटी के कपड़े हैं, जिसमें कुछ दुकान पर कपड़ा चोरी हुए हैं इत्यादि ने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुकदमा नंबर 242/2024 धारा 381 में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और आरोपी लवेश को 5 घंटे में गिरफ्तार कर चुराया माल बरामद किया गया। शुक्रवार को भारत विकास परिषद द्वारा भवानीमंडी में सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर और सद्गुरु सेवा संस्थान झालावाड़ के सहयोग से नेत्र जाँच और शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 13 मरीजों का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। भारत विकास परिषद के सचिव हमराज शर्मा नेत्रदान प्रभारी ने बताया कि अनिल कुमार मंडोत मोड़क के सौजन्य से सीताराम धर्मशाला में आयोजित नेत्र जांच व शल्य चिकित्सा शिविर का शुभारंभ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अनूप त्रिवेदी व शाखा संरक्षक जिला प्रभारी गोविंद भराड़िया, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल के द्वारा भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके किया गया। शिविर में 77 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिसमें से 13 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया, जिन्हें बस के द्वारा आनंदपुर ले जाया जाएगा, जहां सद्गुरु सेवा संस्थान के चिकित्सालय में इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा और ऑपरेशन करवाकर इन्हें वापस भवानीमंडी लाया जाएगा। जैन बोर्डिंग में व्यापार महासंघ द्वारा एक आम सभा का आयोजन डॉक्टर जेके अरोड़ा के अध्यक्षता में आयोजन हुआ, जिसमें अध्यक्ष प्रीतपाल सिंह होरा द्वारा अपने 3 वर्ष के कार्यकाल लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए सभी व्यापारियों, कार्यकर्ताओं, कार्यकारिणी सदस्यों, पत्रकार बंधुओं का कार्यकाल में सहयोग के लिए आभार प्रकट किया। मंच पर अरोड़ा साहब के साथ नागरिक मोर्चा के सदस्य कैलाश जैन, वकील डॉक्टर प्रवीण शर्मा, पूर्व अध्यक्ष राजेश नाहर, नरेश माधवनी मंचासीन थे। सभी वक्ताओं ने व्यापारियों को एकजुट रहकर कार्य करने का संदेश दिया और अंत में चुनाव समिति का गठन किया गया, जिसमें एडवोकेट हेमराज शर्मा, कमल सीसीटी सुरेखा व प्रकाश सीए को शामिल कर मतदाता सूची व नियमावली सौंपी गई। जून माह में कभी भी चुनाव करवाए जाने की संभावना है। बैठक में सैकड़ों व्यापारी मौजूद रहे। भीषण गर्मी में मरीजों को मिली राहत। दूरागढ़ी माताजी मंदिर प्रांगण में फॉगर सिस्टम लगाया गया, जिसमें वहां रह रहे मरीजों को मिला आराम। गंगा सिंह सोलंकी ने बताया कि गर्मी में मरीजों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, जिसके चलते एक भक्त का फोन आया कि माताजी मंदिर प्रांगण में भाग सिस्टम लगाने की बात कही गई, जिसके चलते उन्हें तुरंत वहां जाकर मौका स्थिति देखकर तुरंत काम चालू करके मरीजों के 3 साइड में पाइपलाइन बिछाई गई और जिसके चलते मरीजों को मिला आराम। माताजी के यहाँ काम कर रहे सभी कर्मचारियों का पूरा सहयोग रहा, जिसमें फॉगर की एक लाइन से बालाजी पशु डेयरी फार्म सातलखेड़ी की ओर से तथा अन्य 4 लाइन अन्य भक्तों की ओर से लगवाई गई। झालावाड़ में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा बुधवार को जारी किए गए 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपलिया ब्लॉक भवानीमंडी की सलोनी ने 97% अंक प्राप्त किए और गणित में 7 विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए। वहीं गणित का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय के मीडिया प्रभारी हर्षवर्धन, वरिष्ठ अध्यापक गणित ने बताया कि विद्यालय में 10वीं कक्षा की 54 विद्यार्थियों में से 53 विद्यार्थी प्रथम व द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। शाला का 10वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम 98.15% रहा। झालावाड़ जिले में PCPNDT अधिनियम के पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को उपखंड समुचित प्राधिकरण PCPNDT एवं उप मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य डॉक्टर लेखराज मालव व जिला समन्वयक PCPNDT प्रभु अहरवाल द्वारा भवानीमंडी क्षेत्र के 4 सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण कर PCPNDT अधिनियम की सख्ती से पालना करने हेतु पाबंद किया गया।
झालावाड़ में प्रतिवर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना निर्धारित की गई। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21/6/2024 तक आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए विश्व तंबाकू निषेध की शपथ का आयोजन किया जाएगा तथा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रतिदिन चालान व सीजर की कार्रवाई की जाएगी। अकलेरा में जिला विधिक सेवा समिति झालावाड़ और तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला सेशन न्यायाधीश अकलेरा के निर्देश अनुसार पीएलवी तेजमल लखवंशी ने मनोहर थाना के पिपला चौराहा सेमली गांव और अकलेरा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अकलेरा विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें आमजन को बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर व पिछड़े वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। इसके अंतर्गत महिला, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति, न्यायिक हिरासत में विरुद्ध व्यक्ति व जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। आमजन को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। अकलेरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गेहूंखेड़ी में पीईओ और स्थानीय विद्यालय के 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं बोर्ड में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह निवर्तमान सरपंच राम सिंह चौहान व कार्यवाहक सरपंच इंद्रजीत शर्मा व पीईओ राम रतन धावा सभी कार्मिकों व अभिभावकों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सभी छात्रों को उज्ज्वल भविष्य की बधाइयां प्रेषित की गई, जिसमें निवर्तमान सरपंच राम सिंह चौहान द्वारा छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाकर माला पहनाकर उत्साह वर्धन कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई और शुभकामनाएं दी गई। साथ ही गाँव का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया गया। चौमेला झालावाड़ जिले के मेघवाल समाज विकास समिति के तृतीय चरण के चुनाव संपन्न हुए। डग ब्लॉक के चुनाव बिलावली क्षेत्र के सभी मेघवाल समाज के ब्लॉक एकत्रित हुए और सर्वसम्मति से आर सी वर्मा निवासी तलावली को निर्विरोध ब्लॉक मेघवाल समाज के ब्लॉक अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर भागीरथ वर्मा, जिला अध्यक्ष रामलाल वर्मा, उपाध्यक्ष श्यामलाल वर्मा, भवानी शंकर नीखेड़ा, नागू लाल नेता बिलावली, चंद्रलाल बिलावली, गोकुल लक्ष्यराज शर्मा मौजूद रहे। चौमेला नगर की कई वार्डों के बासिंदे पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या नगर के बीच बसी वार्ड नंबर 7 व 13 नंबर में है। वार्ड नंबर 7 में हनुमान मंदिर से सटी हरिजन बस्ती व नायक मोहल्ले की है, जहाँ ना तो जलदाय विभाग की लाइन है और ना ही यहाँ पंचायत द्वारा लगी एकमात्र ट्यूबवेल, जिसकी मोटर 2 माह से खराब पड़ी है, जिसके टंकी नहीं भरी रही है। यहाँ के निवासी दूर दराज से ठेलों में टंकियां रखकर पीने का पानी ला रहे हैं। यहाँ लोगों ने बताया कि ट्यूबवेल वेल चालू करवाने के लिए कई बार पंचायत में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसी विकट जल समस्या को देखते हुए जल ही जीवन है, नर सेवा नारायण सेवा को आदर्श मानते हुए समाज सेवी भक्तिराम गायरी ने कस्बे के प्रत्येक वार्ड में निःशुल्क पानी के टैंकर शुरू किए गए, जिससे आम जन को काफी राहत मिली है, जिसके नागरिकों द्वारा सराहना की गई। ये ट्यूबवेल कब से बंद पड़ी है? अशोक जी बताइए कि आपको जो इस कार्य की प्रेरणा कहाँ से मिली? चौमेला कस्बा मेरी कर्म भूमि है और यहाँ के नागरिकों की सेवा करना मेरा प्रथम दायित्व है। और इस भीषण गर्मी में जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिससे कहीं चौमेला क्षेत्र की, चौमेला के अंदर की बहुत सारी ट्यूबवेल है या तो बंद हो गई या ख़राब हो गई, जिसमें पानी नहीं आ पा रहा था। और काफ़ी लोगों को पानी, पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ता। गंगा नदी भी सूख चुकी है, इससे नल भी तीसरे चौथे दिन आते हैं। बड़ी भीषण समस्या है सब पानी की। इसको देखते हुए जब तक बारिश नहीं हो जाती तब तक रेगुलर टैंकर के द्वारा यहाँ के नगर के वासियों को, बैकवर्ड कस्बे में जो भी लोग रहते हैं, मेरे मातृशक्ति ऐसे परिवार लोगों को अधिक से अधिक इस चीज़ से राहत मिल जाए, इसलिए प्रतिदिन 2 टैंकर से उनकी सेवा की जाएगी और प्रतिदिन 2 टैंकर चल रहे हैं। धन्यवाद। पिड़ाव में आज सूरजकुंड महादेव सहसमिति के तत्वावधान में मातोश्री अहिल्याबाई की 295वीं जयंती मनाई गई। पिड़ाव नगर में स्थित सूरजकुंड महादेव मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था। उनकी जयंती पर सूरजकुंड महादेव सेवा समिति द्वारा उनके चित्रों पर पूजन कर शहर के अस्पताल में मरीजों और वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को फल व बिस्किट वितरण किए गए। इस अवसर पर सूरजकुंड महादेव सेवा समिति के महेश भावसार, जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता कृष्णकांत उपाध्याय,
वह मंडी समिति अध्यक्ष सुनील शर्मा, पंकज शर्मा, सचिव देवेंद्र गंधर्व, विशाल गुप्ता, नवीन भावसार, कैलाश सेन आदि मौजूद रहे। पिड़ाओ उपखंड की घारपाकला ग्राम पंचायत के कोली गांव के महिला पुरुषों ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया कि कोली गांव में सरकारी ट्यूबवेल लगी हुई है, जिसमें गाँव के ही रामलाल पिता किशन लाल लोहार ने अपनी निजी मोटर पंप पर डालकर कब्जा कर लिया है। वहीं ग्रामीणों को पानी नहीं भरने देता है। वहीं उक्त ट्यूबवेल के पानी से खेती बाड़ी कर रहा है, साथ ही लड़ाई झगड़े पर आमदा हो रहा है, जिसमें ग्रामीण जनता को भीषण गर्मी में पेयजल के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हो रहे हैं। ग्रामीणों ने कब्जाधारी के खिलाफ कार्रवाई कर सरकारी ट्यूबवेल से कब्जा हटवाने व ट्यूबवेल में सरकारी मोटर पंप डलवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में कमलेश ढोली, गंगाबाई, जय कुंवर भाई, गुड्डी भाई, सोरम भाई, मांगू सिंह, धर्मेंद्र, अशोक कुमार, मान सिंह, गोपाल सिंह, मनोहर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पिड़ाओ क्षेत्र के गोविंदपुरा गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट अंकों से पास होने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। प्राचार्य दुर्गा कुमारी ने बताया कि हाल ही में घोषित हुए 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजों में गोविंदपुरा विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें 29 छात्रों में से 9 छात्र प्रथम श्रेणी, 18 द्वितीय, 2 छात्र तृतीय में पास हुए। इनमें से पीयूष भाटिया ने 80%, पपीता कुंवर ने 74.83% और देवेंद्र सिंह ने 74.50% से अंक प्राप्त किए। उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का साल व परिवार की ओर से माला पहनाकर सम्मान किया गया। संदारा भानपुरा तहसील के संदारा गांव में सार्वजनिक जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद। दोनों पक्ष दावा कर रहे हैं कि जमीन हमारे समाज की, इसमें फूलमाली समाज जमीन पर समाज का नेरा बनवा रहे थे, तो वहीं तमोली समाज ने यह कहकर काम पे रोक लगाई कि यह हमारे मंदिर की जमीन है। इस जमीन पर जबरन माली समाज ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं माली समाज कहता है कि यह जमीन हमने 30 वर्षों पूर्व खरीदी थी। इस विवाद में दोनों पक्ष ने तहसीलदार विनोद शर्मा और क्षेत्र विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन देने भानपुरा पहुंचे और तहसीलदार ने पटवारी को निर्देश दिया कि जमीन का मौका मुआयना कर इसे जल्द से जल्द निर्णय दे। हमारी भूमि जबकि हमने कब्जा कर रखा था 35 साल से, उनका कुछ भी नहीं है, फोकट में रुकवा रहे काम, उनका कोई कब्जा नहीं है ना। जमीन आपके समाज की है क्या, पर्सनल है? समाज की, समाज ने खरीदी थी, वाली समाज की। मंदसौर जिले के समस्त पुलिस कर्मियों के लिए जिला पुलिस लाइन मंदसौर में प्रातः 6 बजे योगा और पीटी क्लास का आयोजन अनुराग सुजानिया के निर्देशन में किया गया। उक्त आयोजन में पुलिस अधीक्षक मंदसौर अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरोड हेमलता कुरिल समेत जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित व अधिकारी और जिले के समस्त थानों चौकी के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। रक्षित निरीक्षक मंदसौर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, भूतपूर्व सैनिक राम नारायण गुर्जर, पीटीआई द्वारा उपस्थित समस्त पुलिस कर्मियों को योगा पीटीआई करवाई गई। मंदसौर में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के समीप बनी सुदर्शन कॉलोनी के एक मकान के ऊपरी मंजिल के कमरे में आग लग गई, जिसमें कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। गर्मी के दिनों में अधिकतर आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट ही रहता है, क्योंकि गर्मियों में विद्युत लोड ज़्यादा रहता है, जिसमें आग जाने की घटनाएं होती रहती हैं। आग लगने का ताज़ा मामला है कि शहर के सुदर्शन कॉलोनी स्थित बीजवाड़ी परिवार के घर की दूसरी मंजिल के कमरे में अचानक ही धुआं निकलने लगा, जिससे आसपास के रहवासियों ने देखा तो तुरंत अंदर के पहुंचे और घर में परिवार के सिर पर एक महिला सदस्य अपने छोटे बच्चे के साथ अकेली थी। रहवासियों ने पहले उनको सुरक्षित घर से बाहर निकाला, फिर ऊपरी मंजिल पहुंचे तो एक कमरे में आग काफ़ी फैल चुकी थी। रामगंज मंडी में नए कुएं का निर्माण कार्य करने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ठेकेदार 70 फीट ऊपर से सूखे कुएं में गिरा, जिसके सिर में गंभीर चोट आई और मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने शव को कुएं से बाहर निकाला और सीएचसी रामगंज मंडी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ठेकेदार के सूखे कुएं में गिरने से हैंड इंजरी हुई है। मामला क्षेत्र के निमाना गांव का है। सूचना पर पुलिस हॉस्पिटल पहुंची और वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम की सहमति नहीं जताई। ऐसे में पुलिस ने लिखित में लेकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार मृतक भवन लाल 45 वर्षीय निवासी भिलवाड़ा, हाल फिलहाल मायला के निमाना गांव में कैलाश मीना के खेत पर कुआं खोदने का ठेका लिया हुआ था। पिछले 3 महीने से मृतक और परिजन कुआं खोदने का कार्य कर रहे थे। शुक्रवार को कुएं के बाउंड्री का कार्य चल रहा था, इस दौरान ठेकेदार मृतक भवन लाल का पैर फिसल गया, जिसके हैंड इंजरी होने से मौत हो गई। खबरों में फिलहाल लेते हैं, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला।
ब्राइट फेदर पब्लिक स्कूल, ए स्किल एंड एक्टिविटी बेस्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 8th. हरियप, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल, बस फैसिलिटी अवेलेबल. शहर के बीच होने से बच्चे की समय की बचत तथा अनावश्यक शारीरिक मानसिक थकान से छुटकारा. पता: रामनगर, भवानी मंडी. कॉन्टेक्ट अस 9033556728, 9079167225. क्या आप बीमारी का इलाज करवाते करवाते थक चुके हो? क्या दवाया खाते खाते परेशान हो गए हो? आपके शहर रामगंज मंडी में डॉक्टर नवीन नागर, जोड़, लकवा और नस रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ की सेवाएं, जिसमें निम्न रोगों का इलाज: कुल्ले का दर्द, लकवा, एड़ी का दर्द, साइटिका, चेहरे का लकवा, गाठिया या रिंगच बाई, घुटने का दर्द, रीढ़ की हड्डी में चोट, कमर व जोड़ों का दर्द. पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें श्री श्याम मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शाहजी चौराहा, बाजार नंबर 1, रामगंज मंडी, राजस्थान, जिनका मोबाइल नंबर है 8209952939, 8233837704. कंप्यूटर्स, सरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कोर्स PGDCA, DCA, RSCIT, RSCFA, ADCA, टेली अकाउंटेंट, स्पोकन इंग्लिश आदि प्रकार के कोर्स कराए कर जाते हैं. प्रोप्राइटर चेतन जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9001958001. पता है पंचायत समिति के सामने, भवानी मंडी. स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार. हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है. त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद. प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव. बंधु मिस्टर भंडार, विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम. हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है. बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है. हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला. हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी. एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू 10th सेशन 2024-25, बेथल सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम, भवानी मंडी. The best school with a very good education system. Our advantages: qualified teachers, co-curricular activities, affordable cost, transportation facilities. For more information, please contact us 844-1812-898. ऋषभ गैस सर्विस सभी उपभोक्ताओं को जानकारी मुहैया करा रहा है कि भारत गैस के सभी उपभोक्ताओं की EKYC बायोमेट्रिक सत्यापन करवाना अनिवार्य है. बायोमेट्रिक सत्यापन के अभाव में आपकी गैस की सप्लाई बंद हो सकती है. मेरी बात का ध्यान दें, अभी भी बहुत से कनेक्शन शेष है जिनकी EKYC नहीं हुई है. वो तुरंत प्रभाव से अपनी EKYC कंप्लीट करवाएं और गैस की सुविधा का लाभ लें. इसमें उज्ज्वला व नॉन उज्ज्वला दोनों गैस कनेक्शन धारियों की EKYC करवाना अनिवार्य है. अगर नहीं हुई EKYC तो नहीं जलेगा गैस का चूल्हा. हमारा
मोबाइल नंबर है 7568060310। राजेश सोनी हमारा मोबाइल नंबर 8058766999। सचिन जैन 8003950705। नितेश राठौर हमारा पता ऋषभ गैस सर्विस भवानी मंडी पंचायत समिति के सामने जिला झालावाड़। नमस्कार भारत गैस, मैं सुरेश कुमार जैन ऋषभ गैस सर्विस प्रोपराइटर सभी गैस उपभोक्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि EKYC करवाना अनिवार्य है। अगर आप EKYC नहीं करवाते हैं तो आपका घर का चूल्हा हो सकता नहीं जले। अतः पुनः आपसे निवेदन है कि गैस एजेंसी पर आकर बायोमेट्रिक पद्धति से फिंगरप्रिंट या फेस के माध्यम से अपना EKYC का सत्यापन करवाएं और अपने मोबाइल नंबर अगर गलत है तो उसको भी नए नंबर पर अपडेट करावें, ताकि जो गैस एजेंसी पर बुकिंग के नंबर जो बदल गए हैं वो अब नए नंबर हैं 77-10-95-55 मिस्ड कॉल बुकिंग पर आप बुक कराकर अपने रसोई गैस घर पर प्राप्त कर सकते हैं। नया स्वाद महादेव कचोरी एंड स्वीट। हमारे यहाँ शादी पार्टी के आर्डर भी लिए जाते हैं। हमारी विशेषता पोहा जलेबी कचोरी समोसा मिठाई नमकीन लस्सी कोल्ड ड्रिंक और कड़ी कचोरी ब्रेड पकोड़ा। हमारा पता है ज्ञान मंदिर चौराया पंजाब बैंक के पास भवानी मंडी। हमारा फोन नंबर है 9887267456। हमारा एक और नंबर है 9887177422। याद रखिए महादेव कचोरी आपकी नई प्रतिष्ठान आपके भवानी मंडी शहर में। महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर। हमारे यहाँ पाइनएप्पल जूस, मौसमी जूस, मिक्स जूस, कीवी जूस, चुकंदर जूस, एप्पल जूस, अनार जूस, एप्पल शेक, अनार मिल्क शेक, ब्लड बैंक चुकंदर शेक, मैंगो शेक, पाइनएप्पल मिल्क शेक, बनाना शेक, पपीता शेक, चीकू शेक, मौसमी शेक। हमारे यहाँ सभी प्रकार के शाही शेक और ड्राई फ्रूट शेक भी उपलब्ध है। हमारा पता है श्री महाकाल जूस एंड कचोरी सेंटर, पचपाड़ रोड भवानी मंडी। प्रोप्राइटर दीपक कुमार जैन, जिनका मोबाइल नंबर है 9414420791। वहीं मोबाइल नंबर मनोज कुमार जैन का 9829485166। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम विद्यालय में प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। नामांकन भरने की तिथि 7 मई 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक है। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है। अभिभावकों से आग्रह है कि अपने अपने बच्चों को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम पचपाड़ में अधिक से अधिक प्रवेश दिलाए। हमारा पता है महात्मा गांधी स्कूल पचपाड़ भवानी मंडी जिला झालावाड़। प्रिंसिपल फर्निश कुमार विजय, जिनका मोबाइल नंबर है 9460122658।
मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों का मुंह तोड़ जवाब। 130 रुपए प्रतिदिन किस पर अपना निजी वाहन पाइए। सबसे ज्यादा किलोमीटर चलने वाली गाड़ियां लिथियम और ग्राफीन बैटरी के साथ गाड़ियां उपलब्ध। साथ में सभी गाड़ियों की गारंटी। नो पेट्रोल, नो रजिस्ट्रेशन, नो पॉल्यूशन, नो लाइसेंस। कम खर्च में लंबी सवारी। हमारा पता कालेश्वर मंदिर के सामने तगड़ चौराया भवानी मंडी जिला झालावाड़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोप्राइटर मंसूरी मोटर्स। हमारा फोन नंबर है 810-77-00-989। और हाँ, एक विशेष सूचना, बजाज फाइनेंस जीरो पर, तो देर ना कीजिए। अगर आपको बैटरी की गाड़ियों की जरूरत है तो आप चले आइए कालेश्वर मंदिर के सामने मंसूरी मोटर्स भवानी मंडी। एडमिशन ओपन मदर्स लिप अ प्ले स्कूल द फ्यूचर बिगिन से अ प्री नर्सरी टू यूकेजी। बेनिफिट्स ऑफ आर क्लासेस स्मॉल क्लासेस साइज लविंग एंड केयरिंग एनवायरमेंट्स इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स डेडिकेटेड टीचर्स एंड स्टाफ स्कूल व्हीकल फैसिलिटी। एड्रेस भावना कुंज नियर हनुमान जी मंदिर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट झालावाड़ राजस्थान। मोबाइल नंबर 6378228422 9887267439। नोट 30 अप्रैल 2024 तक प्रवेश लेने पर फीस में 21% तक की छूट, तो जल्दी कीजिए और इस योजना का लाभ उठाइए। एडमिशन ओपन RBSC अफिलियेशन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम नर्सरी टू 12th संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। साइंस स्ट्रीम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी एंड मैथ्स। कॉमर्स स्ट्रीम अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स। आर्ट्स स्ट्रीम इकोनॉमिक्स हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी सोशियोलॉजी हिंदी लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर। बस फैसिलिटी इक्विप्ड लेबोरेटरी एंड परफेक्ट कंप्यूटर लैब। कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन संस्कार भारती निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। एड्रेस उषा कॉलोनी भवानी मंडी जिला झालावाड़ राजस्थान। फोन नंबर 8769602008 9784883535।